हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग सिंह्स यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, यह है यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आप ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जामिनेशन नेम स्टाफ नर्स परीक्षा। इसमें आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक हेयर फॉर इंग्लिश पीडीएफ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं। तो इसमें स्टाफ नर्स और सिस्टर ग्रेड टू की वैकेंसीज आई हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्टिंग डेट क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो इसमें स्टार्टिंग डेट है 16 जुलाई 2021 और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 16 अगस्त 2021। एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, उसकी लास्ट डेट है 12 अगस्त 2021। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो इसमें 125 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है फॉर जर्नल, EWS एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स। SC एंड ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए टोटल एप्लीकेशन फ़ी है 65 रुपीज़। हैंडीकैप कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 25 रुपीज़ और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए टोटल एप्लीकेशन फ़ी है 65 रुपीज़। इसके बाद बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की। तो आप यहाँ वैकेंसीज़ देख सकते हैं। इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 341 वैकेंसीज़ है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2671 वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें सैलरी होगी आपकी लेवल 7 की 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, यानी 44,900 से 1,42,400। ये सभी पोस्ट टेम्परेरी बेसिस पे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टेम्परेरी, ग्रुप बी, नॉन ग्रेजुएटेड। इसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो आप यहाँ क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th पास, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन GNM या फिर आपके पास BSc डिग्री होनी चाहिए इन नर्सिंग। इसके साथ साथ आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल एज नर्स। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th पास, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन GNM या फिर आपके पास BSc डिग्री होनी चाहिए इन नर्सिंग। साथ ही साथ आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए एज नर्स एंड मिडवाइफ फ्रॉम यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल। इसके बाद बात करेंगे सिस्टर ग्रेड टू की क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन GNM। नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो इसमें आपके 100 मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा 85 मार्क्स का और 15 मार्क्स होंगे आपके एक्सपीरियंस के। इसमें अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर 2 साल का है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे और अगर 3 साल का है तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें मिनिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 21 इयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 इयर्स। लास्ट में बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आप एग्जाम पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपका टोटल 85 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपका 170 क्वेश्चंस होंगे और ड्यूरेशन होगा 120 मिनट्स का। इसमें 3 पार्ट होंगे। पहला होगा जनरल नॉलेज जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, सेकंड होगा जनरल हिंदी का जिसमें होगा 20 क्वेश्चंस, और आपका थर्ड होगा नर्सिंग सब्जेक्ट का। इसमें टोटल आपके 120 क्वेश्चंस होंगे। अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।